Welcome back, children. Today we are going to move ahead with the topic of blood circulation. How does the process of blood circulation takes place inside our body? Now see, the heart, it pumps the blood, and then this blood, it is circulated in the whole body. Now the first thing that we have to notice over here, that the blood, it goes to the heart twice. Right, the blood, it goes to the heart twice. Once the deoxygenated blood goes, and the second time the oxygenated blood goes. Okay, now the deoxygenated blood, it goes from the body. It goes from the body. From our body, the deoxygenated blood, it goes to this. Where does it go? It goes to this right auricle. It goes to the right auricle. The deoxygenated blood, that is the blood which does not have oxygen, it goes to the right auricle of the heart. Okay, from the right auricle, this deoxygenated blood, it goes into the right ventricle. Matlab jaise puri body mein se hamare jo blood hai wo kahan jata hai, राइट ऑरिकल में. ऑरिकल मतलब ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं हार्ट के, वो होते हैं ऑरिकल. एक राइट ऑरिकल, एक लेफ्ट ऑरिकल, राइट. और नीचे के दो चैम्बर्स हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स. क्लियर? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, राइट, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इट गोज टू द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट. ये, इट इज़ मूविंग लाइक दिस. सी, यू कैन सी ओवर हीयर, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, एंड अगेन हीयर द एरो इज देयर, एंड अगेन इट हैज़ कम ओवर हीयर इन दिस राइट ऑरिकल. क्लियर? नाउ फ्रॉम दिस राइट ऑरिकल, एज आई टोल्ड यू, इट मूव्स डाउन इन टू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल में से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास जाना होता है. ओके, नाउ दिस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, इट मूव्स टू द लंग्स. लंग्स के पास क्या करने जा रहा है ब्लड? ऑक्सीजन लेने के लिए. क्लियर? नाउ यू कैन सी ओवर हियर फ्रॉम दिस, दिस इज द पल्मोनरी वेन, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी विच इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इन टू द लंग्स. एंड दिस वॉज एन एक्सेप्शन ऑल्सो विच वी हैव डिस्कस्ड इन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. सारी की सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती हैं, बट यही एक अकेली आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकर जाती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स. ठीक है? नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ रीच द लंग्स. ठीक है? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास आ गया. नाउ इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड, इट विल गेट ऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक वेस्ट है जो लेकर आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वो छोड़ देगा इन द लंग्स. इट विल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर इन द लंग्स, एंड इट विल टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, एंड अगेन इट विल मूव आउट ऑफ द लंग्स. अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएंगी पल्मोनरी वेन्स. नाउ दीज आर द पल्मोनरी वेन्स विच आर गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, टू द लेफ्ट ऑरिकल. क्लियर? नाउ दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल ओवर हियर, दिस वन रेड अपर वन, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल विच आई एम पुटिंग द एरो नाउ. This is left auricle. Okay, so the oxygenated blood which has been brought by the pulmonary vein from the lungs is brought to the left auricle of the heart.
ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से जो अब ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डाउनसाइड जाएगा, मतलब ऑरिकल से हमेशा ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट मूव्स टू द होल बॉडी, ठीक है, इट मूव्स टू द होल बॉडी। ये देखो, यहाँ से ये जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस ये बॉडी की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाता है, वो कौन लेके जाता है? एओटा लेकर जाती है। एओटा, व्हाट इज एओटा? एओटा, इट इज़ द बिगेस्ट आर्टरी, ओके, इट इज़ द बिगेस्ट आर्टरी विच takes away the blood from the left ventricle, which takes away the blood from the left ventricle, and then it divides itself into a number of arteries, and each of these arteries then takes away the blood to each and every cell of the body. I hope you understood this. Again, I'll repeat it once. You can listen to it carefully. Okay, first I'll remove all these arrows so that I can put them again and you can understand it again once again. See, I have not started this whole process of blood circulation from 1, 2, 3, but instead I have started from here. I have started from this fourth. Clear? Again, I'm going to repeat the whole process. See, this is human body. Clear? This is our body. Now, from the body, the blood, the deoxygenated blood, okay, the carbon dioxide rich blood, ठीक है, इस blood में क्या है? Carbon dioxide है और oxygen नहीं है, तो ये carbon dioxide rich blood from the various parts of the body, it is carried to the right auricle of the heart, okay, it is carried to the right portion, or the you can also say the right side of the heart. First, the blood, it moves to the auricle and then it moves down to the ventricle. अब ये जो blood है, ये कौन लेकर जाता है? ये लेकर जाती हैं veins, जिनका नाम है vena cava. अब हमारी body के lower portion से जो blood लेकर जाती हैं, they are known as inferior vena cava, और जो upper portion से लेकर आती हैं, they are known as superior vena cava. Okay? Now, this is just for your knowledge, otherwise here simply in the book, we have been given the name vena cava. Common name is given for both the vena cavae. Okay, so vena cava, it is the name of the veins which carry the deoxygenated blood from the whole body towards the right auricle, ठीक है? Right auricle में blood आ गया, वहाँ से blood कहाँ जाएगा? वहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है? अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड, एज यू कैन सी ओवर हियर, द ब्लड इट इज़ बीइंग मूव्ड हियर, ये जा रहा है लंग्स के पास. क्या करने जा रहा है ये लंग्स के पास? ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए लंग्स को. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दे रहा है वो लंग्स को? कार्बन लंग्स क्या करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सहेल्ड आउट ऑफ आर बॉडी बाय द मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन. हम जो ब्रीथ करते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो सारा ऑक्सीजन लंग्स के पास पहुंचता है, तो लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजन लेने जाते हैं. क्लियर? दे हैव टेकन द ऑक्सीजन एंड नाउ द ब्लड हैज़ बिकम ऑक्सीजनेटेड. नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल कम डाउन इनटू द, वेयर विल इट कम डाउन? इनटू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दैट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. The blood will come first to the auricle and then into the ventricle. Clear? Now, from the ventricle, the blood, it will be taken by the aorta, and the aorta will divide itself into a number of arteries, and each of these arteries will give the blood to the whole body. Clear? So this is the way how the process of circulation takes place inside our body. Clear? I hope you have understood this. Still, if any queries are there, you can contact me, you can ask me. Okay, children?
Now, children, we are going to discuss heartbeat and pulse. What is heartbeat and what is pulse? Now, see, we have already studied that the heart is a muscular organ. So, the heart muscles, they regularly contract and relax. Why do they contract and relax? To maintain the circulation of blood. लगातार जो हार्ट की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं ताकि सर्कुलेशन, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चालू रहे. नाउ ईच ऑफ दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट प्रोड्यूसेस अ साउंड, अ थ्रोबिंग काइंड ऑफ साउंड इट इज प्रोड्यूस्ड. जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं हार्ट की मसल्स, हर बार एक साउंड प्रोड्यूस होती है एंड दिस साउंड इट इज नोन एज हार्ट बीट. एडल्ट ह्यूमन बींग्स की जो हार्ट बीट होती है, हार्ट जो होता है वो 70 to 75 टाइम्स बीट करता है, मीन्स 70 to 75 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और साथ साथ रिलैक्स करता है. तो एक कॉन्ट्रैक्शन, वन बीट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन. ओके, सो इन दिस वे 70 to 75 टाइम्स द हार्ट बीट्स इन अ सिंगल मिनट. बच्चों में ये जो हार्ट बीट होती है ये ज़्यादा होती है, इट इज़ अबाउट 90 to 100 टाइम्स पर मिनट. नाउ यू वुड हैव ऑल्सो नोटिस वन थिंग दैट वेन एवर वी आर एंगेज इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वेन एवर वी आर डूइंग साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, स्किपिंग, ओके, और वी आर प्लेइंग एनी गेम, द फिजिकल, दीज ऑल आर द फिजिकल एक्टिविटीज विच लीड टू द इंक्रीज इन द हार्ट बीट. Right? So, more amount of blood is being circulated at that particular time, which increases the heartbeat. Now, with each heartbeat, this was all about heartbeat. Now, what is pulse? Now, what happens with each heartbeat? Heartbeat ka matlab ye hai ki blood jo hai, arteries mein ya veins mein ja raha hai. Right? With each heartbeat, जब ब्लड आर्टरीज में एंटर करता है, ब्लड हमेशा जब आर्टरीज में एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस ब्लड का उस टाइम पे. अगेन हियर वन काइंड ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड विच इज नोन एज पल्स, विच इज नोन एज पल्स. व्हेन द ब्लड विद अ हाई प्रेशर एंटर्स इनटू द आर्टरीज, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड इट इज नोन एज पल्स. Okay, now pulse rate is exactly, it is said to be almost equal to the heartbeat. Now pulses, you know, they can be felt in the wrist as well as in the neck also. Clear? Now doctors, you might have seen the doctors, they use a stethoscope. What for the stethoscope is used? It is used to count the heartbeat. Just like this, you can check on your own how much is your pulse. Okay? It is, as I told you, it remains almost the same as that of the heartbeat, that is 70 to 75 beats per minute. 70 to 75 times you can notice in a single minute. The pulse is also almost same. Now, as I've already told you, what is aorta? Clear? What is aorta? It is a primary artery, basic, the biggest artery that supplies the oxygenated blood to the whole body. Oxygenated means just blood mein oxygen present hai, right? Deoxygenated matlab just blood mein oxygen nahi hai, but it mainly consists of the carbon dioxide. So these are the two terms which I have used again and again. So you should be very much familiar with these terms. Jaise maine aapko superior vena cava aur inferior vena cava ke bare mein bhi bataya tha when I was explaining you the circulation of blood, right? So here in this you can see superior vena cava and inferior vena cava are the primary veins that carry deoxygenated blood from the whole body to the heart. This can be asked in the form of a fill in the blank. Okay, now as we have seen that our heart is such an important organ, so we should do something to keep it healthy and strong. What all things we can do to keep our heart healthy, okay, and also strong? We should do regular exercises, physical exercises, swimming, walking, playing, right? All these are physical exercises. This we all should remain indulged in. Clear? Nowadays we are remaining indoors only, so indoors also you can do a number of exercises. Then you can do deep breathing exercises, you can do pranayam. ओके, डीप ब्रीदिंग मीन्स लंबी लंबी सांसें लेकर उसको
छोड़ना है. दीज आर नोन एज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम जो होते हैं. ओके, देन द थर्ड इज मेंटेनिंग अ हेल्दी ईटिंग हैबिट. दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ वेरी मच. सी नाउ डेज यू आर नॉट प्लेइंग टू मच. ओके, सो यू शुड you people are remaining indoors only, so you should take care of your diet very much. You should not eat any kind of junk food under regular conditions also. When all the things become normal, in those conditions also you should avoid eating junk food. If you like it very much, you can take it only once or at the most twice in a month. I would advise you to take it only once in a month if you are very much fond of junk food. Otherwise, if you don't like it, then it's very nice. Okay, now the fourth thing that we have to take care of is we should take proper rest and proper sleep. We should go to bed at proper time and we should get up early also in the morning. Okay, though the schools are not there, but still we can get up early and do some exercises, breathe. We can do deep breathing exercises in the fresh air outside in the balcony. Okay, you can sit and do the exercises and all these will help your heart. Performing simple asanas. Now at the end of this chapter, I'll be showing you some simple asanas which you can do at home. Okay, even they can be beneficial to you. Now, yoga asanas and benefits. What is the benefit of these yoga asanas that we do, that you will be doing? Okay, now it first of all helps to keep our body relaxed and energized. हमारी बॉडी को एनर्जाइज रखने में, हमारी बॉडी जो फुल ऑफ एनर्जी रहती है योगा करने से, रिलैक्स रहती है. ओके, जल्दी जल्दी से गुस्सा नहीं आता, हम बहुत रिलैक्स रहते हैं और हर काम बहुत आराम से करते हैं. ओके, देन योगा हेल्प्स इन क्योरिंग मेनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ओके, नाउ द वेरियस पोजेस दैट आई एम गोइंग टू शो यू, दे आर ओवर हियर. You can see these poses and you can try them at your home. Okay, so with this we have completed the chapter. Clear? I hope you all have understood the chapter. Thank you.